नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय, आप देख रहे हैं रूरल इंडिया। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ऐसे किसान के पास जिन्होंने तो एक फसल के साथ सह खेती करके दो फसल लिए है और उनसे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पिलियू, ये गांव है और इस गांव में रहने वाले अतुल पांडर मिशे इनके खेत में आए है। इन्होंने 9 एकड़ में सीताफल के साथ मिर्च और वाटरमेलन की खेती की है। तो दोस्तों, इन्होंने इस खेती से वाटरमेलन और मिर्च से पर एकड़ 2.5 लाख रुपए का इनकम लिया है और लेने वाले हैं, और साथ में जो कि सीताफल की खेती है उससे भी एक्स्ट्रा इनकम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम खेती करते हैं तो खेती के साथ सह खेती करनी चाहिए और सह खेती से हम जो प्रमुख खेती रहती है उससे भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं उनसे और उनसे जानते हैं सह खेती से कैसे हम मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही खेती के बारे में वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। मेरा नाम अतुल भरत पांडर मिशे, तालुका माशरस, जिला सोलापुर। सर, आपने कितने एकड़ में तरबूज की खेती की है, वाटरमेलन की? मेरा वाटरमेलन 5 एकड़ में। 5 एकड़ में, हाँ। आपने कौन सी वैरायटी चूज की है? मैंने मेलोडी नाम की वैरायटी, सिजेंटा का। ओके, सिजेंटा का मेलोडी। सर जी, आपने प्लांटेशन कौन से मंथ में किया था? अभी कितने इसकी आयु है? इसका आज का 32 डेज हो गए। मैंने 9 जनवरी को इसका प्लांटेशन किया है। ठीक है, 1 एकड़ में कितने पौधे लगे है? 1 एकड़ में 8,000 पौधे लगे इसके। 8,000, तो उसका आपने इसका अंतर कितना रखा है? एक दूर से 100 फुट का अंतर है। 100 फुट का, हाँ। और दो लाइनों में कितना है? 8 फुट का अंतर है। 8 फुट का है, हाँ। जब आपने ये पौधे लगाए तो उसपे क्या प्रोसेस क्या किया था? प्रोसेस, पौधे लगाने से पहले मैंने बेड़ बना के लिए फर्टिलाइजर डाला, उसमें सिंकर डाल दिया था। फिर एक दिन पहले सब भिगो के लिया, पूरा भिगो के लिया, और दूसरे दिन इसका प्लांटेशन किया। सर, आप इस खेती को वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हो? वाटर मैनेजमेंट कम से कम एक दो दिन में आधा घंटा पानी दे देते हैं ड्रिप के द्वारा। इसका पानी का ड्रिप से आप इसको पानी दे रहे हैं, तो ड्रिप पे खर्चा कितना हुआ इसका? अभी 1 एकड़ में कम से कम 10,000 खर्चा हो गया मेरा। सर जी, हमें ये भी बताए, इसको आप फर्टिलाइजर से मैं क्या क्या देते हो? फर्टिलाइजर में 10, 20, 18, 16, इस समय अभी लिक्विड बोलते हैं उसमें 19, 21, 12, 61, 12, 32, 16 ऐसे 2-4 दे दिए हमने। ओके, कंपोस्ट में क्या दे रहे हो? कंपोस्ट जैविक? जैविक में वो ड्रिप स्पेशल है, ड्रिप स्पेशल, फिर अवार्ड दिया है, फिर ऐसा बिन दे दिया है। ओके सर जी, हमें ये बताइए कि लगाने के बाद कितने दिन में इसका इनकम शुरू हो जाता है? लगाने के बाद इनका कम से कम 70 दिन में इसका इनकम शुरू हो जाता है। सर, अभी इसका रेट कितना चल रहा है मार्केट में, और कम से कम कितना रहता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना पर केजी रहता है? कम से कम 5 रुपए के नीचे नहीं आ रहा है, कम से कम 5 रुपए रहता है, ज्यादा से ज्यादा अभी पिछले महीने में 21-22 रुपए तक था। ठीक है सर जी, अच्छा मार्केट कौन सा है इसको सेल करने के लिए? अभी हमको नजदीक इधर पुणे रहता है, पर उधर मार्केट भी अच्छा है। ओके, तो हमें ये भी बताए कि 1 एकड़ में हमको मैक्सिमम कितना इनकम मिलता है इससे? कम से कम 1 एकड़ में 2 लाख का इनकम मिलता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 लाख तक निकलता है, रेट के हिसाब से रहता है। ओके सर जी, हमें ये बताए क्लाइमेट का इस पे असर क्या होता है? क्या अगर क्लाइमेक्स चेंज होगा तो इसमें बुरी नाम का रोग, बुरी दौनिया, ये दोनों क्लाइमेट बदलने के हिसाब से, क्लाइमेट बदलने से होता आ जाते हो। ओके, इस फसल को जमीन कैसी होनी चाहिए? इस फसल को जमीन पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी ठहरने नहीं चाहिए ऐसे लगते हैं। ओके सर जी, हमें अगर इस खेती की शुरुआती दिनों में कितना इन्वेस्टमेंट होता है इस पे?
पाँच एकड़ में मैंने कम से कम पौधे लगाने को पौधे खरीदने की कम से कम 140,000 मेरे पौधे पाँच एकड़ के लिए पौधों के लिए गए पौधों के लिए गए लगाने को कम से कम 20,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ है लगाने को। ओके कम से कम पाँच एकड़ लगाने को 2,00,000 रुपये पहले ही खर्चा आ चुका है। उसके बाद हर दिन का रोज 2-3,000 रुपये खर्चा रहता है इसका। ओके तो इस पे कौन कौन से कीट होते हैं कीट इस पे आते हैं या कोई इसको कौन से रोग होते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। शुरुआती पहले कुछ दिनों में इस पे पानी की वजह से नाग आ रही रहती है वो पौधों के पौधा खराब करती है वो। ओके नाग आ रही रहती है तो उस पे आप क्या कौन सा स्प्रे करते हो उस पे। नागाड़ी के लिए बायो 3-6-3 हमने प्रेक्स कर दिया है इसके लिए। ओके ठीक है सर जी ये तो रहा इनके इसके बारे में। तो इसके साथ भी आपने दो सह खेती की है तो इसका प्रमुख कौन सा आपकी फसल है इसमें। हमारी मेन फसल इसमें वार्षिका वो सीताफल है। सीताफल है और के गोल्ड बोलते हैं। ओके गोल्ड का अपना वो मेन वो है खेती। उसके साथ आप वाटरमेलन और मिर्च ले रहे हो। ठीक है सर जी अभी ये कितने दिन चलेगा वाटरमेलन का फसल इसमें। अभी इसमें वाटरमेलन का खेती कम से कम आज 32 दिन हो गए तो अगले 30 दिन तक रहेगी। 30 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगी। और मिर्च उसके बाद शुरू होगी क्या। उसके बाद मिर्च शुरू होगी तो कम से कम फिर 3 महीने चलेगी। ओके सर जी तो आपका इसमें वाटरमेलन से मैक्सिमम कितना इनकम होगा और मिर्च से कितना होगा। अगर अच्छा दर मिला मार्केट के हिसाब से अच्छा दर मिला तो 5 एकड़ में कम से कम हम 20,00,000 तो कमा ही लेंगे। ओके सर जी वाटरमेलन की तरबूज की खेती करते वक्त कौन सी सावधानी या बरतनी चाहिए ताकि हमें कुछ गलतियां ना हो। पहले तो ये तरबूज की खेती करने के लिए पहला पानी का नियोजन होना चाहिए। अगर इसमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा पानी हो गए तो ये पौधे पहले ख़राब हो जाते हैं। अगर फर्टिलाइज़र भी अगर इसमें ज़्यादा हो गया तो भी ये पौधे आते नहीं हैं। फर्टिलाइज़र भी हिसाब से होना चाहिए उसको जितना लगता है उससे ज़्यादा हो गया तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे इस खेती के बारे में। अगर इसकी पूरी जानकारी हो तो ही ये तरबूज की खेती कर दीजिए वरना ये प्रॉफिटेबल नहीं है मुनाफा ज्यादा नहीं देती है। मुनाफा ज्यादा नहीं देती अगर इसमें एवरेज मैक्सिमम तरबूज ज्यादा नहीं निकला तो ये घाटे का सौदा हो सकता है। ठीक है सर जी आपके खेत में जो पीले पीले जो मुझे क्या दिख रहा है वो पीला और ग्रीन वो स्टिकर बोलते हैं उसको स्टिकर लगाया स्टिकर क्यों लगाते हो। ये अगर ये ऐसा मौसम खराब हुआ तो इसकी वजह से एक कीट रहते हैं छोटे छोटे कीट इसकी तरफ से आ जाते हैं तो पीले स्टिकर रहते हैं उसके उसको देख के उसमें आकर्षित हो जाते हैं और उसकी तरफ जाते हैं और वो उसमें बैठ गए तो चिपक जाते हैं निकलते नहीं। क्या क्या उस पे क्या चिपकने वाला गम लगाया क्या। गम लगा होता है अगर वो देखिए सामने है। ओके, ओके। अगर उस पे बैठे तो वो ऐसे पूरे चिपक जाते चिपक जाके वो खराब हो जाते तो इसके लिए कम हो जाते हैं। ओके तो आप स्प्रे कितने दिनों में इस पे करना पड़ता है स्प्रे। कम से कम मैक्सिमम 4 दिन के पहले 4 दिन के आगे स्प्रे होना ही चाहिए। हर 4 दिन के बाद स्प्रे होता है आपका होना ही चाहिए। ओके तो आपको इसमें से मैक्सिमम कितना उपज मिलने वाली है इससे। हमने 1 एकड़ में कम से कम 25 टन एकड़ का एक ही है तो 25 टन का कितना होता है अगर आपका जो मार्केट के रेट 10 रुपए से अगर भाव मिलता है मार्केट तो कम से कम मार्केट 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगा। 2-2.5 लाख इसका हो जाएगा और मिर्च का कितना होगा। मिर्च का एकरी कम से कम 80,000 के तक हो जाएगा एकड़ में यानी कि 3,30,000 तक 1 एकड़ में आपको मुनाफा मिल जाएगा। तो उसमें से खर्चा माइनस किया तो कितना होता है। अगर 1 एकड़ का खर्चा कम से कम 70-80,000 खर्चा आएगा। अगर 70-80,000 इसमें माइनस कर दिया जाएगा 2.5-2.5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो सर जी आपने जो खेती कर रहे हैं आप तो इनका डिस्टेंस कितना रखा है अभी जो वाटरमेलन का है वो कितने डिस्टेंस पे लिया है मिर्च कितने डिस्टेंस पे है
और जो आपका मुख्य पीक है वो जो सीताफल का, वो कितने अंतर पे रखा है? पहले मैंने सीताफल 16-8 पे लगाया है, पौधे का दोनों में से अंतर 8 फुट है और दोनों लाइन में से 16 फुट अंतर रहता है। उसके बीच में मैंने 8 फुट पे बेड़ छोड़ के कलिंगड़ वाटरमेलन का खेती कर दिया है और उस उन दोनों पौधों में से 15 फुट का अंतर है। ओके, और मिर्च कितने अंतर पे लगाए? इसके दोनों के बीच में लगाए, मतलब बीच में आधा फुट पे लगाए। ठीक है सर जी, अगर YouTube की तरफ से हमारे चैनल से कोई कॉल आता है तो आप उन्हें कुछ भी पूछे तो उसके सवालों के इसके बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो आप उसके इस खेती के बारे में आप जानकारी दीजिएगा। तो आपका जाते जाते आपका नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम अतुल भरत पांडरमिश है, मैं पिल्लू का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 98 34 14 84 51। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू।